बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौजूद हूँ होटल सी नूर और उनके जो फाइव स्टार होटल है मशहद के अंदर। उनका जो मॉर्निंग हमारे पास मॉर्निंग के लिए हमारे पास मौजूद था ब्रेकफास्ट, तो यहाँ से हम इंटर होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और क्या क्या होते हैं यहाँ पर मौजूद हैं मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जूस होंगे, दो तरह के जूस हैं अभी यहाँ अवेलेबल है, मेवा, उसमें एक अपना खरबूजे का जूस है और एक पत्तों का जूस है। दो चीज़ें ये हो गई यहाँ पर। कॉफ़ी वगैरह मौजूद हैं, इसके अलावा अभी लीमू और दूध भी यहाँ पर गर्मा गर्म मौजूद है। कुछ शरबतें यहाँ मौजूद हैं, मेरे ऑरेंज की शरबत है और ये पीच है और ये एक खाकशीर यहाँ बोलते हैं उसकी है। बाकी इसके अलावा क्या क्या है देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जैम वगैरह है, यहाँ जैम देख सकते हैं, जैम है, पनीर है। पनीर के बाद यहाँ पर ये इसको हम क्या कहते हैं जैम बोल सकते हैं इसको भी हम, या तो मुरब्बा, हम जो पाकिस्तान में इसको मुरब्बा बोलते हैं यहाँ पर भी इसको मुरब्बा बोला जाता है। यहाँ देख सकते हैं मुरब्बे अलवालू, मुरब्बे हविच, हविच मतलब ये गाजर का है, ये अलवालू का है। तो बाकी यहाँ पर शहद हैं, दो तरह के शहद हैं, एक शहद ये रहा, एक शहद वगैरह। सब खजूर वगैरह हैं यहाँ पर, किशमिश वगैरह है, ये अपना मलाई इसको बोलते हैं हम लोग, ये मलाई है। ये बकरी पनीर वगैरह यहाँ पर हैं, तीन चार तरह के पनीर हैं। तो पनीर के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये कालबास देख सकते हैं आप, पूरा वर्ल्ड फेमस है। कुछ वेजिटेबल्स हैं, एक एप्पल फ्रूट है ये। तो इसके अलावा ब्रेड में आ जाएँ, ब्रेड में आपके पास यहाँ पर एक नॉर्मल ब्रेड है, आपके पास एक सैंडविच ब्रेड है, केक वगैरह है, आपके पास डबल रोटी हैं, और इसके अलावा आप देख सकते हैं चॉकलेट केक भी आपके पास मौजूद है यहाँ पर, चॉकलेट केक देख सकते हैं आप यहाँ से। फिर इसके बाद आप जाएँ यहाँ पर, तो यहाँ पर बॉयल एग है, बॉयल एग, बॉयल एग के बाद आपके पास यहाँ पर है ऑमलेट, ऑमलेट का सालन, जो अंडे का सालन बोलते हैं हम लोग, ये ऑमलेट। इसके बाद हम यहाँ आ जाएँ तो ये यहाँ पर था क्या कहते हैं अपना हॉट डॉग, जिसको हम हॉट डॉग बोलते हैं इंग्लिश में। ये ख़त्म हुआ हुआ यहाँ पर, एक यहाँ गिरा हुआ भी है, तो ये हॉट डॉग अभी ख़त्म हो गई, हाथ में हाथ नहीं आ रहा है। तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये है अंडे का सालन है लेकिन मशरूम के साथ है, अंडे का सालन विद मशरूम, ये चीज़ है। इसके बाद आप आ जाएँ यहाँ पर, एक ये एक मतलब पिज़्ज़ा टाइप की चीज़ है, यानी कि आलू से इसके अंदर आलू बहुत है, ये मशरूम, फ्राई मशरूम हो गई है, केचप वगैरह मौजूद हैं। ये एक मतलब पिज़्ज़ा टाइप का है, अंदर पनीर भी है और अपना कालबास वगैरह भी है, और बड़ा ही अच्छा मतलब एक खुश अच्छी मतलब खुशमजा है। बाकी जैतून का तेल और आप लीमू का पानी आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद ये दाल, हमेशा की तरह हम सब का पसंद दाल। उसके बाद ये आखिर में एक ये अरब और ईरानी ज़्यादा लाइक करते हैं, ये स्वीट डिश है। तो ये तो था मॉर्निंग का, मॉर्निंग सी नूर होटल का मॉर्निंग बुफे। तो चाय का आपने मैंने देख लिया, और चाय के अलावा मैं आपको शायद दिखा दूँ। हाँ, स्टार्टिंग में एक जगह पर वो अगर आपके अंडे वगैरह आपने बनवाने हो हाफ़ फ्राई फुल फ्राई, तो वो आपको भी वहाँ पर भी आप बनवा सकते हैं। ये प्लेटें वगैरह नीचे रखी हुई हैं आप देख सकते हैं। नॉर्मल चाय आपने पिया है तो नॉर्मल चाय के लिए यहाँ पर पड़ी हुई टी बैग आपने लिए यहाँ से केतली में, जितनी भी आपकी फैमिली है उतने नफर के लिए आप ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वन साइड, ये वन एग इन टू एग, हाफ फ्राई फुल फ्राई जो भी आप चाहते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं आपको इसका सीटिंग लोकेशन भी दिखा देता हूँ, सीटिंग लोकेशन कैसी है यहाँ देख सकते हैं। यहाँ इससे फर्स्ट रो सेकंड रो, और यहाँ पर भी आप भी देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, तो पांच रोस यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा
यहाँ पर भी एक साइड रो है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर दो तीन रोस यहाँ पर भी मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ से ऊपर से आपको लोकेशन दिखाता हूँ किस तरह है, यहाँ से देख सकते हैं विवाश। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से मशहद के नज़ारे हैं। अलहमदिल्ला ट्रैफिक बहुत जाम है, ज़ियारत का सिलसिला चल रहा है, स्टार्ट हो गया, ज़वारों का आना स्टार्ट हो गया, पूरे ईरान से ज़वार आ रहे हैं। तो मशहद पूरे यहाँ से देख सकते हैं आप नज़ारा, मैं मौजूद हूँ मशहद मुक़द्दस, आप मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपको सेकंड साइड से भी थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। अभी कुछ तो नई बिल्डिंग्स वगैरह, नए होटल्स वगैरह तामीर हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर है मौजूद। ये देखें नवाज़ी, ये शायद नई बिल्डिंग बन रही है, और ये देख सकते हैं आप, ये नई बिल्डिंग, नए होटल्स बन रहे हैं, क्योंकि वो कोरोना के बाद इंशाल्लाह ताला उम्मीद है खुदाई कि 20 दिन के बाद शायद कोई नोटिफिकेशन आ जाए जिससे ईरान ओपनली सब जवारों के लिए, ज़्यारत के लिए खुल जाएगा। तो ये सारे नज़ारे हैं, इंशाल्लाह ताला हम हरम जाएंगे, फिर हरम जाकर आपको इंशाल्लाह नए वीडियो से, नए जगहों से इंशाल्लाह आशना कराएंगे। इस तमाम से दुआ, अल्लाह हाफिज़।